जनपद बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र में बीती रात दीपक टॉकीज के पास गली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला शारीरिक प्रमुख के मकान में चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के कस्बा बिसौली का है, जहां बीती रात दीपक टॉकीज के पास गली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला शारीरिक प्रमुख के मकान में ताला तोड़कर चोर मकान के अंदर दाखिल हो गए और घर में रखे 10 तोला सोना और चांदी के जेवरात सहित 2 लाख के नकदी लेकर फरार हो गए। वही मकान मालिक मनीष चंद शर्मा वृंदावन धाम दर्शन करने गए हुए थे और उनका बेटा अपने ससुराल गया हुआ था। वहीं छोटा बेटा घर का ताला लगाकर पड़ोस में हो रहे कीर्तन में शामिल होने गया था, तभी चोरों ने घर का ताला तोड़ दिया। घर में सिर्फ मनीष शर्मा की पत्नी मौजूद थी। जब चोरों की आहट मनीष शर्मा की पत्नी तक हुई तो वो जागी और चोर को देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। तभी चोर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लेकर चंपत हो गए। पीड़ित ने बिसौली कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है और बिसौली कोतवाली पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। 10:30 बजे मैं मम्मी घर पर गई थी, तो मैं जो खाटू से हम वो है ना कीर्तन चल रहा है, तो वहाँ 10:30 बजे चला था। मैं जाके बैठा ही था तो लगभग 11 बजे करीब, 11:30 बजे मम्मी को फ़ोन आया घर पर चोरी हुई, ऐसे ऐसे चोरी हो गई। मैं भाग के आया तब तक तो ताला टूटा हुआ, अंदर तिजोरी सब खुली हुई और लगभग 9-10 के आसपास उसमें गोल्ड निकला हुआ, 9-10 लाख के आसपास। बाकी चीज़ें और देख रहे हैं क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब थी। हाँ 1.5-2 के आसपास कैसे। हाँ हैं टोटल कितना तो लगभग टोटल 11-12 के आसपास मान चलो आप 12। हाँ बाकी और मम्मी की तबीयत खराब है तो वो थोड़ा सही औषधि मांगी तब बताएंगी। क्योंकि ना पापा वृंदावन गए थे, भैया भाभी थे नहीं यहाँ पे, वो अपने ससुराल थे। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक चोर पुलिस के गिरफ्त में होगा। बदायूं से सौरभ पाल की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।